इस बीच उज्जैन से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 4 साल की मासूम बच्ची की लाश पाई गई है। नाले में बोरे के अंदर बच्ची की लाश मिली है। शव को अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची है। एएसपी आकाश भूरिया का बयान इसे लेकर, संदेह के आधार पर बोरे की तलाशी ली गई थी और बोरे से मासूम बच्ची का शव पाया गया। चिमनगंज थाना इलाके की पूरी घटना। कल घर के बाहर खेलते हुए ये बच्ची गायब हो गई थी और अब बोरे में इस मासूम बच्ची की लाश पाई गई। तो जैसे ये बड़ी जानकारी, एसपी आकाश भूरिया की तरफ से बयान भी से लेकर सामने आया। उनके तरफ से कहा गया कि संदेह के आधार पर ही बोरे की तलाशी ली जा रही थी। कल ये बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और उसी दौरान से लापता बताई गई। ये साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कल जब सीसीटीवी कैमरे में बच्ची खेलती हुई देखी गई। चिमनगंज में एक बच्ची के घूमने की जो सूचना मिली थी, जिस पर से तत्काल पुलिस ने अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। सारी टीमें हमारी निरंतर उस पर काम कर रही थी। बच्ची को ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। आज शाम को हमारे डायल 100 के एक सिपाही को वाल्मीकि धाम के आश्रम पे जाते हुए जो एक नाला है वहाँ पर एक बोरे में कुछ होने का अंदेशा लगा, जिसको उसने विधिवत रूप से जब देखा और ऊपर से बोरे को खोल करके देखा तो उसमें छोटी बच्ची की लाश थी, जिसपे तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारी पूरी टीमें स्पॉट पे पहुंची और वहां जाकर के उसकी शिनाख्त की। और आप बताएंगे अजय, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे अजय, अपडेट चाहेंगे विस्तार से। ये देखिए, ये चिमनगंज थाना क्षेत्र का मामला है और कल जो बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी उसी दौरान जो है बच्ची जो है घर से गायब हो गई थी। इसके बाद उसकी माँ ने उसको ढूंढने का प्रयास किया था लेकिन बच्ची नहीं मिल पाई थी, तो 18 घंटे बाद पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया था। पुलिस बच्ची की तलाश कर ही रही थी कि शाम को अचानक डायल 100 की गाड़ी जो है वाल्मीकि धाम के पास से गुजर रही थी, उसी दौरान नाले के पास में जो है सिपाही की नजर पड़ी कि बोरे में कुछ है। उसके बाद उन्होंने जब जाकर बोरे को खोल के देखा तो उसमें बालिका की जो है लाश थी। उसके अंदर तत्काल जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और सभी ने जो है बालिका का पंचनामा बनाकर जो है मौके जो है पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। अब फिलहाल जो है सुबह ही जो है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो है खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार जो बच्ची है इसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है। अभी फिलहाल पुलिस जो है अब जो है सख्ती से जो है पूरे जांच में जुट गई है क्योंकि अब मामला जो है बड़ा हो चुका है और इसमें पुलिस के लिए भी चैलेंज है कि आखिरकार किसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।